जिला मंडी के गोहर में चैल चौक सब्जी मंडी के बाहर एक कार देखते ही देखते आग का गोला बन गई। कार सवार मुस्तैदी दिखाते हुए कार से बाहर निकल गए। वहीं फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के इंचार्ज पुरुषोत्तम राम ने बताया कि मौके पर ही कार को बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन कार बुरी तरह से जल चुकी थी। उन्होंने कहा कि गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ है। हम मंडी से सीएम साहब से मिलकर आ रहे थे, यहाँ चैल चौक सब्जी मंडी के पास। जब आगे से बोंट से धुआं निकलना शुरू हुआ तो मैंने गाड़ी रोक दी और गाड़ी में एकदम आग गाड़ी ने आग पकड़ ली। उसके बाद मैंने और मेरे साथ पिंकू जो मेरे साथ बिल्कुल साथ था सीट पर, तो इन पिंकू ने फायर ब्रिगेड को इंटीमेशन की और ये फायर ब्रिगेड वाले 10 मिनट में यहाँ मेरे पास पहुँच गए और इन्होंने बहुत मदद की फायर ब्रिगेड की, मैं इनका भी आभारी हूँ। और उसके बाद मैंने पुलिस स्टेशन गोहर में भी इंटीमेशन कर दी है, शायद वो भी आने वाले होंगे। बाकी ऐसा कुछ जान माल का कोई नुकसान नहीं, गाड़ी का खत्म हो गया, टोटल लॉस खत्म हो गया। जो भी इसकी कीमत है वो मतलब इंश्योरेंस वाले कर लेंगे। तो गाड़ी मेरे हिसाब से तो ये 2 लाख का नुकसान है कम से कम। हम मंडी फार्मैन फायर स्टेशन को, तो आग की सूचना मिली हमें तो सब्जी मंडी गेट के पास, तो हम आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड को लेकर अपनी टुकड़ी मतलब टीम के साथ यहाँ पहुँचे और आग को हमने यहाँ आज जो आग लगी थी उसको बुझाया। जानी नुकसान कोई नहीं है जी, आग कार का लॉस हुआ है। उज्जवल हिमाचल के लिए गोहर से संजीव कुमार। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।